बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बताया ऐसा जा रहा है कि कभी भी यूनिवर्सिटी पर ताला लग सकता है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि जिस किस्म की खबरें आ रही है कि अगले 24 घंटों में एएमयू कभी भी बंद हो सकता है। छात्रों के प्रदर्शन के कारण शैक्षणिक कार्य भी बंद है इस वक्त। डीएम एसएसपी ने वाइस चांसलर के साथ में बैठक की है, वार्ता की है, और ऐसा माना जा रहा है, जो खबरें आ रही है पीआरओ की तरफ से, कि वीसी ने एमयू प्रशासन के साथ में बैठक की और इस किस्म के कयास आ रही है कि अब बंद हो सकती है एमयू यूनिवर्सिटी। 3 परीक्षाओं का छात्र बहिष्कार कर चुके हैं और ऐसे में इस बात की कयास आ रही कि अगले 24 घंटे के भीतर भीतर कभी भी एएमयू का कामकाज बंद हो सकता है। मगर इसके माने क्या है, किस तौर पर बंद होगी ये यूनिवर्सिटी? हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। प्रमोद, वाइस चांसलर के साथ में एसएसपी और डीएम की मुलाकात हुई, बैठक हुई, क्या फैसला लिया गया और खबरें ऐसी हैं कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं? हम अपने सहयोगी प्रमोद की तरफ रुख करेंगे, मगर उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के अब तक की जो ताजा हालत है, ताजा अपडेट है एमयू को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कयास आ रहा है इसे बयान की कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सुनते हैं बयान। मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो इस वक्त स्थिति उसको लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी चिंतित हैं और वो चाहते यही हैं कि सुचारू रूप से कक्षाएं हो जाएं, परीक्षाएं जो बीच में व्यवधान डाला जा रहा है वो किसी तरीके से हो। इसके लिए वाइस चांसलर ने आज एक पत्र लिखा है छात्रों और विश्वविद्यालय बिरादरी के नाम, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि सारे विभाग अध्यक्षों को और जो सेंटर्स हैं उनके डायरेक्टर्स के साथ एक मीटिंग की है, उसमें भी इस बात पर गौर किया गया है कि किस तरीके से छात्रों को समझाया जाए। हमारे यहाँ 18 दिन हो गए, शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है पूरी तरह प्रभावित हैं, परीक्षाएं नहीं हो पा रही, लड़के इम्तहान देना चाहते हैं, लड़के क्लास करना चाहते हैं, यूनानी मेडिसिन में लड़कों ने इम्तहान देने की कोशिश की, बैठे, लेकिन कुछ लोग गए, उन्होंने जाके कब। नागरिकता कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले लंबे समय से चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने एक आपातकालीन बैठक कैंपस में बुलाई और बैठक में डीएमएसएसपी के अलावा एएमयू इंतजामिया के तमाम प्रोफेसर शामिल हुए। साफ तौर पर वीसी ने छात्रों से बैठक के द्वारा अपील किया कि या तो छात्र धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, वरना 24 घंटे बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी जाएगी। साथ ही वाइस चांसलर ने तमाम प्रोफेसरों से यह भी कहा है कि छात्रों को बुलाकर वो समझाएं कि प्रदर्शन खत्म किया जाए और इसके अलावा जो परीक्षाएं होनी है उन्हें होने दें, अगर छात्र नहीं मानते तो यूनिवर्सिटी बंद होना लगभग तय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाइस चांसलर के अपील के बाद क्या छात्रों पर फर्क देखने को मिलेगा। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश।